अभी हम देख रहे हैं शिप्ला के चार्ट। तो शिप्ला में देखते हैं मार्केट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में क्या हुआ, एक शार्प फॉलिंग आया। ठीक है, शार्प फॉल के बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या होना है, ये जो लोअर लो बना है ये इसका लोअर हाई था। ठीक है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरह का चैनल बना हुआ है। ठीक है, रेंज बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज बना हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की ट्राई किया, लेकिन ब्रेकडाउन आने के बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मार्केट वहाँ पे अगेन जाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे तीसरी बार, ठीक है, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो देखेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन की तरह देखेंगे तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा डाउन साइड फॉल देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख सकता है। ब्रेकआउट दिखेगा तो ये जैसे ही इतना बड़ा तुरंत मोमेंटम दिया था, यहाँ से तुरंत अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, तो उसी को कैच करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही तुरंत मोमेंटम आने की चांसेस वेरी है। ठीक है, बहुत हाई है, बहुत जल्दी मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो उसको जल्दी कैच करने की कोशिश कीजिएगा अगर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरह का मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है।